सर, मैंने आपसे सवाल पूछना था कि जापान में जो हैं सब लोग, जो भी मेरे स्कूल में, उनको इतना वो नहीं है कि दीन पे अमल करें, और जो भी हम बातें करते हैं वो उस वक्त सुन लेते हैं, लेकिन बस उसी वक्त ही, बाकी कोई दिलचस्पी नहीं लेते। तो आप मुझे गाइड करें कि किस तरह उनको तब्लीग करनी चाहिए। जापान में, दुनिया में हर जगह ये हाल हो चुका है कि मादियत ज़्यादा हो चुकी है, दुनियादारी के पीछे लोग ज़्यादा हैं, और जापान में तो वैसे ही दौड़ लगी हुई है। ठीक, तो इसलिए मज़हब से दिलचस्पी कोई नहीं रही, एक रवायती मज़हब रह गया कि हाँ हम ये है, नहीं तो बाकी ना कोई बात से दिलचस्पी है ना मज़हब से। और बल्कि दुनिया तो खुदा को भूल रही है, जापानियों में अभी कम अज़ कम ये है कि ये समझते हैं कि जो भी उनका तसव्वुर है खुदा का एक है, तो इसलिए ऐसा ऐसा उनको ये कायल करो कि मज़हब अल्लाह ताला को चीज़ है, और जब अल्लाह है तो अल्लाह चाहता है कि उसके बंदे उसकी तरफ झुकें, उसकी तरफ आएँ, ताकि इस ज़िंदगी के बाद भी एक ज़िंदगी का तसव्वुर है इस्लाम में। इस पर डिस्कस करो कि ज़िंदगी के बाद एक ज़िंदगी है, जब बाद की ज़िंदगी है जो हमेशा रहने वाली है, और उसमें हमें बदले मिलने हैं, उसमें जजा सज़ा होनी है, रिवार्ड होना है, तो हमें फिर उसकी उसके लिए कुछ कोशिश करनी चाहिए इस दुनिया में। तो ऐसा ऐसा मज़हब की अहमियत और खुदा ताला के वजूद की अहमियत बताओ पहले, फिर अहमदियत की बातें होंगी। जिसको दिलचस्पी नहीं खुदा से, जिसको दिलचस्पी नहीं मज़हब से, उसको क्या फ़र्क पड़ता है कि तुम्हारा मज़हब अहमदियत इस्लाम सही इस्लाम है या नहीं इस्लाम सही, या ईसाइत के नज़रियात गलत हो चुके हैं अब या नहीं हो चुके, या सिंथोज़म या बुद्धिज़्म में क्या क्या कमज़ोरियां हैं और इस्लाम में नहीं है, उससे तो गर्ज नहीं उनको। पहले उनको ये बताओ कि अल्लाह है और अल्लाह क्या चाहता है, और मज़हब की ज़रूरत क्यों है, और इस ज़िंदगी के बाद की ज़िंदगी भी है कि नहीं है। ठीक है, लंबा अरसा लगेगा, हिम्मत से काम लो, इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। हज़र, मैं इस दफ़ा सेक्रेटरी तबलीग नगोया बनी हूँ। मेरे लिए दुआ करें कि सही काम कर सकूँ। अपने अमल करो, नए दिखाओ, लोग तवज्जो पैदा हो। सबसे बड़ी बात है कि अपने अमल जो है ना, उससे अट्रैक्शन पैदा होती है। तुम कौन हो, क्यों, जब इकतबास पड़ा है ना अखलाक का, मैंने भी एक दो पिछली दो भी मैंने कहा था अखलाक की बातें, इनके अखलाक अच्छे हैं, उनसे अच्छे अखलाक दिखाओगी तुम्हारी तरफ तवज्जो आएगी।